आप भी मेरी तरह डोरेमोन वीडियो अपलोड करके इस तरह से व्यूज लाना चाहते हो और आप चाहते हो कि ये बहुत सारे टैग वीडियोस जो मैंने बना के रखे डोरेमोन से रिलेटेड उससे भी तगड़ा एक वीडियो मैं लेके आ गया हूँ, क्योंकि ये वीडियो जो होने वाला है काफी तबाही वाला होने वाला है। अर्निंग देख लो यहाँ पे, क्योंकि अगर मैंने इस चैनल को यहाँ पे लॉग इन किया ना भैया तो एकदम आतंक मच जाने वाला है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और मोस्ट इंपोर्टेंट कि इस वीडियो में हर एक राज मैंने खोल के रख दिया है कि आखिर किस तरह से आप डोरेमोन को जब अपलोड करोगे तो आपकी वीडियो सजेशन पे जाएंगे, सर्च पे जाएंगे और आप लाखों में व्यूज लेके आएंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होने वाला है, वीडियो अपलोड कितने बजे करना है, चैनल की सेटिंग क्या करनी पड़ेगी, कीवर्ड्स कैसे लगाने पड़ेंगे, टैग्स कैसे लगाने पड़ेंगे, सब कुछ ए टू जेड। मोस्ट इंपोर्टेंट कि आपको एडिटिंग का हैक्स भी मैं बताने वाला हूं कि आखिर किस तरह से आप उसे करोगे जिसके बाद आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मिलेगा, आपकी वीडियो ब्लॉक्ड नहीं होगी, कंट्री वाइज ब्लॉक नहीं होगी, आखिर कौन कौन से तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे जिसके बाद आपका चैनल टर्मिनेट नहीं होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि चैनल टर्मिनेट भैया हो जाता है बहुत ही जल्दी, तो आपका चैनल आखिर टर्मिनेट कैसे नहीं होगा, किस तरह से आप इससे बच पाओगे, वो सब कुछ आपका भाई बताने वाला है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, तो अभी कभी वीडियो पे जाओ, वीडियो को प्ले करो, जो वीडियो देख रहे हो उस वीडियो को लाइक कर दो, सब्र से इस वीडियो को देखो ताकि सबसे पहले तो भैया मोटिवेशन के लिए यहाँ पे व्यूज देख सकते हो एंड इसके बाद मैं डोरेमोन शिनचैन दोनों अपलोड करता हूं। तो शिनचैन वाली वीडियो अगर नहीं आई है, अगर आ गई होगी तो डिस्क्रिप्शन पे चेकआउट कर लेना, हो सकता है कि उससे भी पहले मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप दोनों में से किसी भी एक कार्टून को अपलोड करके लाखों में जनरेट कर पाओगे। अगर आप चाहते हो अपने फ्यूचर को सिक्योर करना, आप चाहते हो हर एक ड्रीम को कंप्लीट करना, तो भाई आपको कुछ लंबा करना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा ताकि आप YouTube के अलावे हर एक जगह से आप कमा पाए। अगर आप चाहते हैं कि YouTube से नहीं कमाना है भैया, हमें बस यहाँ पे टाइम पास करना है, रील्स देखना है, Instagram पे रील्स देखना है, Facebook पे रील्स देखना है और ये बैकग्राउंड चेंज तुरंत हो गया। एक्चुअली बात ये था कि मेरा माइक काम करना बंद कर चुका था और मुझे पता चला कुछ टाइम पहले, तो मैंने सोचा यार यहाँ पे चेंज कर देते हैं इस पार्ट को, देन यहाँ से लगा देते हैं। तो आपको बस यहाँ पे टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स ये भी आएंगे, भाई यार आप जो बोल रहे हैं कि किस तरह से हम वर्क करेंगे, क्या करना पड़ेगा, वो सब कुछ आप डिटेल में बताएंगे ना? तो भैया बिल्कुल बताएंगे डिटेल में, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, बारीकी से समझना पड़ेगा। और कुछ लोग क्या करते हैं ना, वीडियो को एंड तक देखते ही नहीं है। भैया अगर वीडियो एंड तक नहीं देखोगे ना, तो इस फोन पे आप देख सकते हो कि सीरियल मैंने इस फोन पे भी लॉग इन करके रखा है, यहाँ पे सारे के सारे फोन पे कॉपीराइट वर्क चल रहा है और अभी जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे भी कॉपीराइट वर्क हो रहा है। और यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो देखो, अभी मैं यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो कार्टून वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, सारे वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। अभी S24 अल्ट्रा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की मेहरबानी है, कॉपीराइट वर्क की मेहरबानी है। अगर ये फोन ले पाया हूँ, इतने इतने 4 से 5 फोन अगर हमारे पास और है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉपीराइट वर्क की कमाई है। तो आप कैसे कमा पाओगे, आप किस तरह से पैसे अर्न करोगे, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना अगर आप भी डोरेमोन से पैसे कमाना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपके चैनल पे कोई इशू ना आए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि भैया बहुत लोग का डाउट रहता है कि यार आर्टिस्ट वेरीफाइड होता क्या है, तो आर्टिस्ट वेरीफाइड के बेनिफिट मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, लेकिन यहाँ समझने वाली बात हो जाती है कि आर्टिस्ट वेरीफाइड के लोग बहुत लोग जानते ही नहीं है। तो देखो भैया यहाँ पे मैं आपको क्लियर बताता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करूंगा पवन सिंह, ठीक है, अभी मैं सर्च क्या करूंगा पवन सिंह, एंड पवन सिंह सर्च करने के बाद इनका चैनल आ जाता है जिन पे की 4.99 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि यानी कि 5 मिलियन होने वाले। तो यहाँ पे जो मैं ऑफिशियल लोगो नजर आता है वो लोगों में नजर आता है। अब कुछ लोगों का कहना ये क्या होता है, तो देखो भैया एक पार्टिकुलर पर्सन होता है जिसके नाम से लोगो लगता है। अब मान लो पवन सिंह ऑफिशियल नाम से अगर एक लोगो लग गया तो सेकेंड चैनल को अब ये लोगो नहीं मिल पाएगा। अब बहुत सारे भोजपुरी म्यूजिक वाले देखेंगे तो उस पर एक टिक लगा रहता है, ये म्यूजिक ऑप्शन नहीं रहता है। वो क्यों नहीं होता है वो भी समझने वाली बात है। तो देखो भैया यहाँ पे बात बस इतनी है कि वो एक ऑफिशियल चैनल है लेकिन किसी पर्टिकुलर पर्सन का नहीं है, तो वहां पे म्यूजिक सैंबल लगेगा ही नहीं। अगर किसी पर्सनल आदमी के नाम से करते हैं तो उनके चैनल पे क्या होगा कि वो मल्टीपल लोगों का वीडियो अपलोड नहीं होगा। लेकिन अब आप कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा, भैया म्यूजिक से और डोरेमोन से मतलब क्या है? तो देखो भैया ऑफिशियल चैनल बनाने का मतलब होता है अच्छा रिच पाना, एक वैल्यूएबल क्रिएटर बनना, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी वीडियो को सजेशन अच्छा मिलता है और यूट्यूब और आपका जो एक कनेक्शन होता है वो बिल्ड होता है।
तो इस केसेस में क्या होता है, आपका चैनल कभी कभी होता है ना ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, तो इस केसेस में बहुत ही कम देखने को मिलता है और आपका चैनल बहुत जल्दी वायरल होता है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कि ऐसे चैनल पे आप डॉलर अगर बना लेते हो तो क्या होता है ना, वो ड्रॉप होने के चांसेस होते ही नहीं है, और आप इसमें 400, 500, 1000 डॉलर तक बनाओगे तो कोई भी इशू उसमें नहीं होने वाले। और नॉर्मल चैनल पे अगर कॉपीराइट वर्क करके आपने बनाया तो आपका डॉलर ड्रॉप होने के चांसेस 80% होता है। तो बस डिफरेंस बिटवीन यही है। ज्यादा सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, चेकआउट करना। चलो अपने फोन की स्क्रीन पे लेके चलता हूं एंड फुल डिटेल में एडिट करके वीडियो कहां से लेना है वो भी शास्त्र मैं आपको बता देता हूं। चले अपने फोन के स्क्रीन पे लेके चलता हूं एंड एडिटिंग के साथ साथ आपको बताता हूं कि आपको ये वीडियोस कहां मिले वाले हैं। देखो अभी हम अपने फोन के स्क्रीन पे अभी आ चुके हैं एंड मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग्स मैं आपको बताऊंगा, वीडियो अपलोडिंग का टाइमिंग बताऊंगा और वीडियो कहाँ से लेना है वो भी बताऊंगा। एंड हाँ, इसमें एक और मैं आपको बताऊंगा जो कि आप डोरेमोन 4K में भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा, उससे आपको फॉलो करने पड़ेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एंड तक वीडियो को देखना ही पड़ेगा। और अगर अभी तक आपने अपने प्रीतम भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और यूट्यूब पे सर्च करो आप टेक्नो प्रीतम, या तो आप मेरे इस चैनल पे वीडियोस देख रहे होगे तो फटाफट से जाओ, हमें जल्दी 50K सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है तो जाओ फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। तो देखो अभी सबसे पहले अपन YouTube पे आ चुके हैं, अब बात आ जाती है कि हम डोरेमोन आखिर लेंगे कहाँ से, क्योंकि डोरेमोन लेना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। तो सबसे पहला देखो काम अपन क्या करेंगे ना, अभी सर्च वाले सेक्शन पे जाएंगे एंड सर्च वाले सेक्शन पे जाने के बाद हम यहाँ पे सर्च क्या करेंगे, डोरेमोन। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, डोरेमोन यहाँ पे सर्च कर लेंगे। अब डोरेमोन सर्च करने का मतलब ये नहीं है कि हमें कंटेंट मिल चुका है और हम यहाँ से अब काम कर सकते हैं। तो डोरेमोन पे आप देख सकते हो कि एक दिन पहले इन्होंने डाला है, तो इसके चैनल पे व्यूज़ कितने हैं, 8.5 या 8.5 लाख यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, तो 5 लाख अब कुछ टाइम में हो ही जाएगा। तो उसके नीचे फिर आप जाओगे तो आप देखो यहाँ पे फिर आपको मिल जाएगा, एंड यहाँ पे देखो 2 वीक पहले भी डाला है। तो कुछ लोगों का क्या कहना होता है, भैया स्ट्राइक मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो देखो इसकी रियलिटी दिखाता हूँ। इस वीडियो पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो क्लिक करने के बाद देखो इसके चैनल पे आपको यहाँ पे एक सॉन्ग नज़र आ रहा है। अब आप सोच रहे हैं ये सॉन्ग क्यों है, इस सॉन्ग का भी इम्पोर्टेंस आपको मैं बताऊंगा, जो कि वीडियो के एंड में पता चलेगा या तो बाद में पता चल जाएगा। अभी इसमें आपने एक सॉन्ग देख लिया एंड यहाँ पे इस वाले वीडियो पे भी अगर मैं आपको क्लिक करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसमें कोई भी सॉन्ग नहीं है। तो अभी ये क्या कर रहे हैं ना, कॉन्टेंट आईडी इसमें एक्टिवेट नहीं किया है। तो अभी ऐसे ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो कि कॉन्टेंट आईडी पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये कॉन्टेंट आईडी वर्क कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी देखो इतने सारे चैनल हैं जो कि ऐड पे चला रहे हैं और कुछ चैनल ऐसे हैं जो कि ऐसे चला रहे हैं। तो अभी देखो अपन क्या करना है, 17 लाख 2 महीने में आया है यहाँ पे एंड यहाँ पे इतने सारे व्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो देखो अभी अपन क्या करेंगे ना, वो इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे एंड 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको देखो काम क्या करना है, आपको यहाँ पे सर्च वाले फिल्टर पे क्लिक करना है एंड जैसे उस पर क्लिक करोगे क्रिएटिव कॉमन्स आपको नजर आ जाएगा दोस्त। तो यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना एंड जैसे ही अप्लाई करोगे आप, तो ये वीडियो देखो कि 3 साल से आप पड़ा हुआ है यहाँ पे और आज तक इसमें कोई भी इशू हमें देखने को नहीं मिला है। तो अब बात आ जाती है कि आखिर इस वीडियो में क्या है, किस तरह से इसे अपलोड किया गया है जिसके बाद इसमें कोई भी इशू नहीं आया है और आपको भी कोई इशू नहीं है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो 6 महीने से यहाँ पे डाला हुआ है शॉर्ट्स, इसमें भी व्यूज है यानी कि मैनी मोर्स व्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कार्टून टीवी पे भी आप देख सकते हो और मैंने बोला था ना आपको कि 4K में भी आप डाउनलोड कर सकते हो, वो आपको मिल जाएगा HOT आगे STA, अब समझ लो कौन से एप्लीकेशन पे ये मिलता होगा, उस एप्लीकेशन पे ये अभी आ रहा है, ऑफिशियल एप्लीकेशन है जिसमें ये अभी आ रहा है, न्यू कंटेंट आ रहा है 4K में आ रहा है। तो आप वहाँ से किसी भी एक ऐसे एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो जहाँ से ये डाउनलोड हो जाता है। हालांकि YouTube पे लीगल नहीं है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि किस प्रकार से होता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी अपन क्या करेंगे ना, जो अभी कंटेंट है जो मैंने आपको बताया कि डोरेमोन मान लो कितने भी मिनट्स के डोरेमोन हो, तो अभी यहाँ पे प्ले करके आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि डोरेमोन यहाँ पे हमें देखने को मिल गया है, लेकिन डोरेमोन में यहाँ क्या क्या है क्या नहीं है वो आपको जानने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी यहाँ डोरेमोन है, अब डोरेमोन पे हमने क्लिक कर दिया है, अब देखो आपको काम क्या करना है। हाँ तो अब देखो अभी काम आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको वो कंटेंट, जो भी कंटेंट आपको चाहिए क्रिएटिव कॉमन्स वाले आप उठा लेंगे एंड वो लेने के बाद आपको कोई भी एक एप्लीकेशन में प्रेफर करूंगा कि लाइक आप अगर चाहते हो काइनमास्टर, आप चाहते हो VN, आप चाहते हो इनशॉट या तो मैनीमोर, जो भी सॉफ्टवेयर का आप यूज करना चाहते हो उस सॉफ्टवेयर का आप यूज कर सकते हो एंड वहाँ से आप इसे एडिट कर सकते हो।
तो देखो अभी अपन हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, VN सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं। अब VN सॉफ्टवेयर पे हम आएंगे एंड जैसे ये ओपन हमारा हो जाता है एंड ओपन होने के बाद हमारे सामने जो भी इंटरफेस आएंगे वो इंटरफेस आपको हम बताते हैं। तो देखो अभी आप प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे एंड उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करके अभी जो मैंने आपको डोरेमोन दिखाया वो डोरेमोन हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। अब डोरेमोन हमारे सामने आ चुका है। अब डोरेमोन आने के बाद देखो सबसे पहला काम अपन को क्या करना है, सबसे पहला अभी हम जाएंगे फिल्टर वाले ऑप्शन पे एंड फिल्टर को हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। अब फिल्टर हम क्यों चेंज कर रहे हैं वो सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन कंटेंट आईडी वाली वाली बात भी आपको बताएंगे। तो देखो यहाँ पे हमने फिल्टर ले लिया, अब यहाँ पे अभी फिल्टर पे फिर से जाने के बाद एडजस्ट वाले ऑप्शंस पे जाना है एंड कंट्रास्ट वाले ऑप्शंस पे जाके आपको इसे लो कर देना है, यानी प्लस कर देना है, माफ कीजिएगा, एंड आपको ब्राइटनेस को भी लो कर देना है एंड सैचुरेशन को हाई करना है, वाइब्रेंस को आपको इस तरह से डिक्रीज कर देना है, इंक्रीज कर देना है आपकी वीडियो के अकॉर्डिंग एंड यहाँ पे इस तरह से करने के बाद आपको विंटेज मोड यहाँ पे डिसेबल कर देना है एंड सर यहाँ पे आपको फुल कर देना है एंड हाइलाइट्स पे आपको जाना है और इस तरह से आपको कर देना है 58 इसको रख लेना, ये देख लीजिएगा 100 इसको रख लीजिएगा, 12 इसको रख लीजिएगा, टेम्परेचर को 11 रख दीजिएगा और यहाँ पे सैचुरेशन को 24 एंड कंट्रास्ट को आपको प्लस 100 कर देना है। शैडो वाले ऑप्शन पे जाना है एंड शैडो को आपको इस तरह से डिक्रीज के साथ आपको देख लेना है, प्लस 7 पे आपको सेट इसे कर देना है। अब जब ये आप सेट कर दोगे तो आपको क्या करना है, आप जो वीडियो वहां से उठाओगे ना दोस्त तो आपका वीडियो वो रियल कंटेंट है, अभी आप उसमें कोई इफेक्ट नहीं लगाए हो, कुछ भी नहीं लगाए हो, तो ये सब कुछ आपको अलाउ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब कुछ आपको कर लेना है एंड ये सब कुछ कर लेने के बाद आपको देखो काम क्या करना है, प्रेस करके रखना है होल्ड, प्रेस एंड होल्ड एंड देन आपको यहां से जूम इसको कर देना है। जूम इफेक्ट काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब जूम इफेक्ट लगाने के बाद अगर आपकी कंटेंट यहां से स्टार्ट होती है तो यहां पे आपको एक फर्स्ट स्प्लिट लगाना है, ट्रिम कर देना है, यानी कि आपकी वीडियो अगर 20 मिनट की है तो उस वीडियो को आपको बना देना है मात्र और मात्र 18 से 17 मिनट का। अब ये कट आप जब लगा दोगे ना एंड लगाने के बाद देखो आपको काम क्या करना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको इशू हो सकते हैं। तो ये कर लेने के बाद आपको देखो काम क्या करना है, सबसे पहले स्पीड वाले ऑप्शन पे जाना है एंड रेगुलर वाले ऑप्शन पे जाना है एंड यहाँ पे माइनस कर सकते हो आप या तो एक आप हेवी बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपका कंटेंट आईडी शो ना हो, आपका आईडी कंटेंट डिटेक्ट ना हो, उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। तो ये दोनों आप कर लेंगे एंड यहाँ पे आपको या तो स्लो कर देना है या तो फास्ट आपको कर देना है। अब ये कर लेने के बाद आपको बीच में एक बार फिर से आना है एंड आपको यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक कर देना है, स्प्लिट करके आपको इतना टर्म यहाँ पे क्या करना है, ट्रिम कर देना है। अब ये कर लेने के बाद आपको क्या करना है, अभी आपको आ जाना है यहाँ पे मिरर वाले इफेक्ट पे और यहाँ पे आपको एक क्या करना है, स्प्लिट लगा के आपको मिरर वाले इफेक्ट पे जाना है एंड यहाँ पे क्या करना है, देखो अब यहाँ पे आए ना तो मिरर इफेक्ट आपको इसमें यूज कर लेना ताकि आपका कंटेंट में तोड़ मरोड़ हो जाए। अब ये जब तोड़ मरोड़ हो जाए ना तो उसके बाद देखो अपन काम क्या करेंगे जो इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा आपके लिए हो जाता है अगर आप बारीकी से नहीं देखोगे तो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत सारे कमेंट्स ये आते हैं कि भाई वीडियो स्टार्ट 5 मिनट से, तो उसी कारण से आप क्या होता है ना कि आप कोई भी चीज सीख नहीं पाते हो, जो जो मैं टिप्स आपको बताता हूं उसे फॉलो करने ही पड़ेंगे, अगर नहीं फॉलो करोगे आप तो फिर तो भैया इशू है और इशू है तो भैया आपको स्ट्राइक तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। एंड हाँ मैं बता दूं कि हमारे पास अभी सारे स्ट्राइक रिमूवल के रिक्वेस्ट है, लाइक अगर आपके पास कोई भी स्ट्राइक आ जाता है तो हम उसे रिमूव करने में एक्सपर्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम अगर एप्लेक्स का भी आता है तो हम उसे रिमूव कर लेते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास फॉरवर्डिंग फाइल है, जो कि फॉरवर्डिंग फाइल कभी भी वो एक्टिवेट हमेशा होता ही होता है, जब भी हम फॉरवर्ड करते हैं स्ट्राइक को तो वो होता ही होता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये अगर आप सब पर्सनल एक साथ मैसेज करोगे कि प्रीतम सर मुझे मेरा स्ट्राइक हटवा दो तो प्लीज़ उसमें टीम काम करती है तो वो चार्जेबल भी कभी कभी हो जाता है, अगर आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड है देन, अगर आपके पास टाइम है तो वो फ्री में करवा देगा, कोई भी इशू नहीं होता है। तो अब ये सब कुछ हो जाने के बाद देखो आपको कैंप क्या करना है, अब फिर से यहाँ पे वीडियो पे आना है एंड आपको यहाँ पे फिर से एक स्प्लिट लगा देना है एंड स्प्लिट लगाने के बाद आपको देखना है कि आपकी जो वीडियो है ना, आपकी जो वीडियो है वो वीडियो किस प्रकार की है और इसमें क्या है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, आइए हम समझने तरह से PPI मोड हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम व्हाइट वाला ले लेंगे एंड यहाँ पे इस तरह से हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा हम लेंगे एंड इस प्रकार से हम इसे करने की कोशिश करेंगे। अब यानी कि डोरेमोन जो हमारा चल रहा है इसके बीचों बीच चल रहा है, अब बैकग्राउंड जो हमारा हो गया वो PPI मोड में आ गया, अब बैकग्राउंड के कारण हमारा जो कंटेंट है वो पीछे वाला है एंड
अगर इससे भी हेवी आपको कुछ चाहिए तो आप अपने फोन के कैमरा को उठाओ एंड उसे रिकॉर्ड कर डालो एक ब्लॉगिंग या तो कोई भी एक नेचुरल वीडियो लाइक अपने फोन के कंपैरिजन वीडियो बना लो कहीं का एक रिकॉर्ड कर लो एंड उसे आप पहले लगा दो एंड यहाँ पे इस वाले फीचर्स का यूज करके अभी जो आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहा है मैं आपको यहाँ पे प्लस वाला ऑप्शन जो आपके सामने नजर आ रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया कौन सा प्लस वाला ऑप्शन है, तो चलो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ जो आपको इमेज वाला ऑप्शन नजर आ रहा है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड वहां से आप इसे इनेबल करके यूज कर सकते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे पीपीआई मोड में आपको ऊपर में अपनी वीडियो को लेके बैकग्राउंड इस प्रकार का रख देना है एंड यहाँ पे आपको नीचे में कुछ टाइप कर दो ऐसी ही डेली वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि आपको सब्सक्राइबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बेस बन गया एक बार डोरेमोन पे या किसी भी चैनल पे तो ऐसे कंटेंट पे क्या होता है ना, सजेशन पे जब आपके व्यूज जाने लगेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी वीडियो वायरल जाने लगेगी। तो सजेशन पे जाने के लिए आपके पास एक बिल्ड कम्युनिटी होनी चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एक चैनल है, अगर आप डायरेक्ट वायरल नहीं कर पा रहे हो तो उस चैनल के कम्युनिटी पे डाल के आप अपनी वीडियो को जल्दी से वायरल कर सकते हो। उसमें कम ही चांस होते हैं कि वायरल नहीं जाते हैं, 95% चैनल पे देखा गया कि वायरल चले जाते हैं। तो आपको देखो काम क्या करना है। अब यहाँ पे बात आ जाती है, ये सब कुछ कर लेने के बाद प्रीतम सर हमें और कुछ एडिटिंग पे करना पड़ेगा, तो बिल्कुल कुछ पार्ट को आपको फ्रीज कर देना है, कभी कभी ऑटो कैप्शन लगा देना है एंड कभी कभी आपको क्या करना है ना, जूम वाला जो इफेक्ट वो लगा देना है, ब्लर वाला, यानी कि आप अपनी वीडियो को जितना तोड़ और मरोड़ सकते हो वो आप कर सकते हो। अब ये हो जाने के बाद बहुत सारे कमेंट्स ये भी आते हैं, प्रीतम सर आपने वीडियो के स्टार्टिंग पे कहा था कि आखिर ये कंटेंट आईडी वर्क है क्या। तो देखो बात ये हो जाती है, अगर आप अपने चैनल को आर्टिस्ट वेरीफाइड में कन्वर्ट करवाते हो तो उसमें दो फीचर्स होते हैं। अगर आप विद कंटेंट आईडी लेते हो तो आपको डैशबोर्ड लेना पड़ता है, लेकिन ये वर्क करने के लिए मैं आपको पहले से बता दूं, एक अवेयरनेस आपके लिए मैं लाया हूं कि प्लीज आप अपने मेन चैनल पे बिल्कुल भी गलती ना करें, क्योंकि अगर आप एक बिगिनर हैं आप अपने चैनल पे ही काम करेंगे और आपका चैनल कभी भी टर्मिनेट हो सकता है। तो आपको यहाँ पे नीड होगी एक न्यू फ्रेश चैनल की जो कि आर्टिस्ट वेरीफाइड में आप कन्वर्ट करवा लीजिए। कुछ चार्जेबल है वो होते हैं, वो उसके लिए आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर मैं यहाँ पे टाइप आपके सामने कर देता हूँ। तो नंबर आपको क्या करना है, इस नंबर पे आपको यहाँ पे अभी जो नंबर आपको शो हो रहा होगा इस नंबर पे 9709226910 पे आपको जाना है एंड यहाँ पे आपको व्हाट्सएप कर देना है। एंड जैसे व्हाट्सएप करोगे तो आपको सारी डिटेल्स में बता दिए जाएंगे, जो भी पर्सन ये करता है तो आपको वहाँ पे वो चार्जेस बता देंगे कैसे क्या होगा। एंड ये बहुत ज़्यादा नीड है, अगर आप ये नहीं करोगे, अगर आपने $500, $500, $200, $300 कुछ भी बना लिया ना तो आपका डिक्रीज होना ही होना है, तो उससे बचने के लिए आपको ये करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसे जरूर करवा लेना ताकि आपको कोई भी इशू कभी भी देखने को ना मिले। जब आप ये करवा लेंगे तो देन आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। वीडियो को एक्सपोर्ट करने के मेरे भाई देखो काम क्या करना है, कुछ लोगों को क्या कहना होता है कि प्रीतम सर या क्या हम अपने चैनल को MCN या CMS में ज्वाइन करवा सकते हैं। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं किसी टारगेट करके किसी MCN का नाम नहीं ले रहा हूँ। तो यहाँ पे कहना चाहूँगा कि देखो MCN पे क्या होता है ना, आप कंटेंट तो ले लोगे, वीडियो ऐड करवा दोगे, सब कुछ करवा लोगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है पेमेंट आपका फंस जाता है। कभी कभी नहीं, मैंने देखा 98% टाइम ऐसा होता है कि आप बहुत सारे डॉलर बना के दे देते हो लेकिन आपको 40 crore नहीं मिलता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप इससे बचना चाहते हो तो आप अपने तरह से काम करो, नहीं तो आपको आगे चल के फ्यूचर में आप काम तो करोगे लेकिन उसका फल आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे एक और बात कहना चाहूँगा आपको कि आर्टिस्ट वेरीफाइड में कभी कभी ऐसा होता है कि आपका चैनल 5 दिनों में भी हो सकता है या तो 2 महीने में लग सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके चैनल को अप्लाई करने के बाद तो होता ही नहीं है, तो जब तक वो रिजेक्ट नहीं हो जाता है तब तक उसमें इश्यूज होते हैं, तब तक आपको वेट करने ही पड़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट आर्टिस्ट जब अप्लाई होता है तो उसमें सॉन्ग म्यूजिक से लेकर सब कुछ लग जाता है और इश्यूज हो जाते हैं। तो इसे आपको नोटिस करने की काफी ज्यादा जरूरी है एंड करवाने के लिए आपको मैंने बता दिया। जब आप इसे कर दोगे तो आपको टैग और डिस्क्रिप्शन कहां से लेना है चलिए वो मैं आपको बता देता हूं। तो आपको काम क्या करना है, इसे 4K 60fps पे आपको कन्वर्ट करना है, अदरवाइज आपको इशू हो सकता है। तो यहां पे आपको क्या करना है, अभी आपको अपने क्या करना है ना, अपनी वीडियो को पहले सर्च पे भेजना है। अब सर्च पे कैसे भेजोगे मैं आपको बताता हूँ। कीवर्ड मैंने कीबोर्ड लिख दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं है आ जाएगा। तो कीवर्ड यूट्यूब टैग यहाँ पे लिख देंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाते हैं जहाँ से कि हम जनरेट कर पाएंगे बहुत सारे टैग्स। अब यहाँ पे क्या करना है हमें,
डोरेमोन, ठीक है, क्या करना है, डोरेमोन हम लिखेंगे यहाँ पे, एंड डोरेमोन हम जैसे लिखेंगे, डोरेमोन लिखने के बाद सर्च कर देंगे। अब डोरेमोन भी गलत लिख दिया मैंने यार, अब यहाँ पे वेरीफाइड हमें कर लेना है, वेरीफाई करेंगे, जैसे वेरीफाइड करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे डोरेमोन की बहुत सारी टैग्स यानी कि टोटल कीवर्ड्स जो हमें निकल के आए हैं 644 कीवर्ड्स हमें यहाँ पे देखने को मिल गए। तो 644 कीवर्ड हम क्या करेंगे, कीवर्ड को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे एंड अपने डिस्क्रिप्शन पे से कॉपी पेस्ट हम कर देंगे। अब बात आ जाती है हैशटैग की, तो हैशटैग के लिए भी यहाँ पे सेम हम काम करेंगे एंड डोरेमोन पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने यहाँ पे बहुत सारे हैशटैग आ जाएंगे और उसे आप वहाँ पे डाल सकते हो, यानी कि आपका जो डोरेमोन है वो सजेशन पे जाना चाहिए और आपको व्यूज वहाँ से मिलना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बताओ रहे कि आप जब भी डोरेमोन डालेंगे तो आप अपने चैनल को आर्टिस्ट वेरीफाइड में कन्वर्ट चेंज करवा ले। जब ये सब कुछ कर लेंगे तो बहुत सारे कमेंट्स अब ये भी आते हैं, क्या इससे हम पेमेंट ले भी सकते हैं, क्या हमारे चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा, मोनेटाइज कैसे होगा उसके लिए भी मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना के रखा है दोस्त। तो आपको देखो ये सब कुछ कर लेने के बाद, वीडियो एडिटिंग करने के बाद, आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, वीडियो हमेशा आपको अपलोड करना है, वो करना है 7 बजे सुबह। अगर 7 बजे सुबह आप चुक जाते हो तो आपको काम क्या करना है, उसे करना है नाइट में 7 से 8 बजे नाइट में, एंड अगर उसमें भी आप चुक जाते हो तो आपको 4 से 5 बजे शाम में ही आपको अपलोड कर लेना है। ये तीनों टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको डोरेमोन को वायरल करने के लिए। जब डोरेमोन आप अपलोड कर दोगे तो थंबनेल एक बेस्ट होना चाहिए, कोई भी एक AI कैनवा से या कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, उसे बना सकते हो। पिक्सल लैब से अगर नॉलेज नहीं है तो AI से भी आप इसे बना सकते हो, आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात आ जाती है क्या इस चैनल का लाइफ है, तो बिल्कुल लाइफ है, अगर आप सही तरीके से काम करोगे, हमारे बताए हुए तरीके से काम करोगे तो 100% आप इस चैनल से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, दस नहीं, कम से कम साल भर से भी ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। जहां आपका गरीबी से आटा गीला है, अगर आपके पास 2 महीने की भी अर्निंग आ जाती है तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कॉपी पेस्ट कंटेंट पे ही आ जाइए, आप अपने लिए बेस्ट सेलेक्ट कीजिए, अपने लिए बेस्ट देखिए, अपने लिए हमेशा रियल कंटेंट पे एक चैनल पे काम कीजिए और इस चैनल पे भी काम कीजिए, हमेशा आपको काम देगा। आखिर आपको आगे बढ़ना है, ये नहीं कि बस आपको दिखावटी का आगे बढ़ना है, अगर आपको सच में आगे बढ़ना है तो आपको काम करने पड़ेंगे, दैन ही आप कुछ कर पाओगे। तो बस यही कहना चाहूंगा, जो जो टिप्स मैंने आपको बताया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि CMS और MCN के चक्कर में बिल्कुल मत फंसना भाई साहब, नहीं तो आपका चैनल के साथ साथ आप भी बर्बाद हो सकते हैं। पैसा जितने भी कमा लो लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला है। एंड याद रखिएगा, डोरेमोन के लिए थंबनेल बेस्ट, टाइटल बेस्ट, जो मैंने आपको बताया, एंड वीडा क्यू में आप लॉगिन कर लेना अपने चैनल को, वहां से कीवर्ड्स आपको जो फाइंड्स मिलेंगे उसे आपको यूज हमेशा करना है, जिससे कि आपकी वीडियो रैंक जाएगी और आप आगे चल के फ्यूचर में आपका डोरेमोन वायरल जाएगा। बात आ जाती है कि कॉपीराइट स्ट्राइक से हम कैसे बचेंगे, और कॉपीराइट स्ट्राइक से ही बचने के लिए सारे झंझट हमने किया है, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम से आप अगर बचना चाहते हो, स्ट्राइक से आप बचना चाहते हो, तो आप देखो काम क्या करोगे। बहुत सारे कमेंट्स ये भी आते हैं कि स्ट्राइक से हम बचेंगे कैसे प्रीतम भाई यार, क्योंकि वीडियो डालते हैं हम, स्ट्राइक हमें पड़ जाती है, हमें इशू हो जाती है। तो देखो आपको काम क्या करना है, बस काम इतना ही करना है, जब भी वीडियो आप अपलोड करोगे क्रिएटिव कमेंट्स वाले आप यूज करो, आपको कोई भी देखो, अगर स्ट्राइक आना होता है तो उस भाई को भी आता, नहीं तो आपको भी नहीं आएगा। तो बस फर्क इतना ही है कि आप वीडियो कहां से ले रहे हो, किस तरह से ले रहे हो, एडिट कैसे कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, और आपका चैनल किस प्रकार का है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात आ जाती है कंटेंट पे दिखाया, तो देखो कंटेंट चीज है जो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, आपके चैनल पे जितने भी व्यूज आ रहे हैं ना, उस व्यूज के भी आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास एक अच्छा डैशबोर्ड होना चाहिए। अब डैशबोर्ड बहुत महंगा होता है, कुछ लोग उसे नहीं खरीद पाते हैं, तो आप अगर नहीं ले सकते तो कोई इशू नहीं है, आप ऐसे काम चला सकते हो। आप मेहनत करो, आप सही से काम करो, आप आगे बढ़ो, मुझे उम्मीद है आप काम करोगे तो आप आगे जरूर बढ़ोगे। तो बाकी इस तरह से आप अपनी वीडियो को यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे 60 FPS पे क्लिक करके बिट रेट आप जितना कम करना चाहते हो, ये FPS होगा 60 FPS पे कन्वर्ट करके आप इसे अपलोड अपने चैनल पे करो, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।